दोस्तों, आज के इस नए एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको अंजीर के कुछ ऐसे चमत्कारी फायदों के बारे में बताएंगे जिससे आप जानकर दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ढेरों रोगों की सिर्फ एकमात्र दवा है अंजीर। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही फायदेमंद है और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे नीचे जाके लाल बटन को दबाकर अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए लाते हैं ज़बरदस्त टिप्स जिससे आप घर पर ही अपनी औषधि बना सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम डायरेक्ट आते हैं नुस्खे की तरफ। दोस्तों, ताज़े अंजीर जैसा स्वाद शायद ही किसी अन्य फल में होता है। जहाँ एक ओर पूरे साल अंजीर बाजार में कम संख्या में मौजूद होते हैं, वहीं दूसरी ओर पूरे साल सूखे अंजीर यानी जैसे मैं अपने हाथ में ले रहा हूँ, सूखे अंजीर बाजार में मौजूद रहते हैं। अंजीर की अलग अलग किस्में मौजूद होती हैं और सभी एक दूसरे से भिन्न होते हैं और सभी प्राकृतिक स्रोतों से भरपूर होती हैं। यही कारण है कि यदि अंजीर के लिए कहा जाए कि इसके पास ढेरों प्राकृतिक उपचार मौजूद हैं तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है और एकमात्र न जाने कितने ही रोगों को जड़ से मिटाने में सक्षम होता है। पहला इसका जो मैं आपको आज फायदा बता रहा हूँ वो ये है, मुंह में हुए छालों के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जी हाँ, stylecraze.com ऐसे कई वेबसाइट हैं जिनकी माने तो मुंह में यदि आपके छाले या कोई अन्य किस्म की बीमारी है तो आप अंजीर के पत्तों को मुंह में रख सकते हैं और इसके दो तीन पत्ते चबाने के कुछ देर बाद आप गरारे कर लीजिए। आप महसूस करेंगे कि मुंह में मौजूद गंदगी गरारे के दौरान बाहर निकल जाएगी और इसके अलावा यदि मुंह में कोई बदबू या कोई बीमारी या कोई छाले जैसी कोई समस्या है तो उससे आपको बहुत जल्द आराम मिल जाएगा। दूसरा, किडनी स्टोन के लिए। जी हाँ दोस्तों, अंजीर एक ऐसा प्राकृतिक स्रोत है जिसके सेवन से आप किडनी के जो मौजूद स्टोन होते हैं उन्हें भी निकाल बाहर कर सकते हैं और इन दिनों बिगड़ती जीवन शैली के कारण जो किडनी में स्टोन होना एक आम बीमारी की तरह बन गया है, यदि आप भी इस तरह की बीमारी से पीड़ित हैं तो एलोपैथी ट्रीटमेंट के बजाय आप चाहें तो मात्र सिर्फ अंजीर, जी हाँ 6 से 7 पत्तियाँ जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, सिर्फ 6 से 7 जैसे मैं पत्ती दिखा रहा हूँ आपको निकाल के अभी, ये हाँ ये 6 से 7, इसके आप अगर खाते हैं तो आप इसको 1 कप पानी में उबाल लें और इसका सेवन करें, ऐसा पूरे 1 महीने तक करें और इससे किडनी स्टोन आपकी निकल जाएगी। दोस्तों, ये बहुत ही कारगर उपाय है, बहुत कम लोग इसे जानते हैं और इसको आप बहुत ही कम लोग पहचानते हैं इसके बेमिसाल गुणों को। तो दोस्तों, आप इसका ज़रूर ख्याल रखें। तीसरा, कील मुहासों में से आपको छुटकारा दिलाता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अक्सर आज की दुनिया में जैसा कि जीवन शैली लोगों की है, कील मुहासे बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान रखते हैं। ऐसे में अगर आप अपने चेहरे पर बहुत ज़्यादा कील मुहासों से परेशान हैं और कई तरह के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर चुके हैं, इसके बावजूद आपको कोई राहत नहीं मिली है, तो ऐसे में आप चाहे तो अंजीर का पेस्ट बनाकर इसे चेहरे पर लगा सकते हैं। इस पेस्ट को 15 से 20 मिनट तक चेहरे पर लगाए रखें और ये एक घरेलू उपचार है जिसके किसी भी तरह के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और इसके अलावा आप चाहें तो अंजीर की टहनी, जो मैंने आपको दिखाई है, अंजीर की टहनी और भी होती है, ये तो खैर उसे बस बांधे रखने के लिए, अंजीर के जो पेड़ की टहनी होती है आपको वो लेना है और उसे निकालने वाला जो उसमें जो मिल्की जूस और पत्तों को पीस कर जो पेस्ट बनता है उसे रोज़ाना लगाना है और वो बहुत ही फायदेमंद होता है। दोस्तों,
इससे चेहरे की रौनक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो आपकी उम्र को बिल्कुल थाम देती हैं। मतलब ये है कि आप उम्र को अपनी मुट्ठी में कैद कर पाएंगे और एक जवान त्वचा को हमेशा आप महसूस कर पाएंगे। चौथा, डायबिटीज़ का इलाज। दोस्तों, मौजूदा जीवन शैली में ना सिर्फ अधेड़ वरन युवा भी डायबिटीज़ की चपेट में आ रहे हैं। ज़्यादातर लोग डायबिटीज़ के कारण दवाओं पर आश्रित हैं, यानी उन्हीं दवाओं पर निर्भर होते हैं। लेकिन अंजीर के सेवन से डायबिटीज़ जैसी बीमारी को भी मात मिल जाती है। दरअसल अंजीर में पोटेशियम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इससे इंसुलिन में कमी आती है। यदि आप रोज़ाना अंजीर के दानों का मधु के साथ यानी हनी के साथ मिलाकर खाते हैं तो इससे डायबिटीज़ को नियंत्रण किया जा सकता है। और शुरुआती दिनों में आप देखेंगे कि आप चाहें तो ऐसा सिर्फ एक सप्ताह करके देख सकते हैं। यदि इससे बेहतर परिणाम आपको नहीं मिलते हैं तो आप इस उपाय को बिल्कुल ना करें। लेकिन मैं बता रहा हूँ, आज तक मुझे कोई पेशेंट मिला ही नहीं जिसको शहद और अंजीर के सेवन से उत्तम परिणाम ना मिले हों। तो दोस्तों, आप भी ज़रूर करें। पांचवा, कब्ज से हो जो भी परेशान हैं उनकी जड़ से समस्या मिटा देता है। आजकल कब्ज की समस्या बहुत ज़्यादातर लोगों में पाई जाती है और असल में हमारी जीवन शैली में आमूल चल परिवर्तन बहुत ज़्यादा होता है। खासकर महिलाएं इसकी चपेट में ज़्यादा हैं क्योंकि उनके सोने से लेकर खाने तक पीने तक पूरा दिन पूरा शेड्यूल बदला हुआ रहता है। ऐसे में कब्ज़ होना बहुत ही आम बात होती है उन सभी महिलाओं को। दोस्तों, आप चाहें तो रोज़ाना 2 से 3 सूखे अंजीर को मधु के साथ यानी शहद के साथ मिलाकर खा सकते हैं और ये रोज़ाना आप 1 माह तक यानी 1 महीने तक आजमाएं और आपको पता चल जाएगा कि कब्ज़ में ये कितना कितना ज़्यादा गुणकारी होता है और आपकी कब्ज़ छूमंतर हो जाएगी मात्र सिर्फ 1 महीने के अंदर, माफ़ी चाहूँगा 1 हफ्ते के अंदर। दोस्तों, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं और आप इसको खाएं और इसके बेशुमार फ़ायदों का लुत्फ़ उठाएं। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और अपने जितने भी मित्रजन और आपके जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही फ़ायदेमंद नुस्खा है और उन सभी को जो आपके करीबी हैं उनको भी इसका बेशुमार फ़ायदा मिलना चाहिए। तो दोस्तों, आप इन नुस्खों का इस्तेमाल करें और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट के माध्यम से हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें। हम जल्द मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।